मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 1 मार्च 2021 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रयास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द ही है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच अंगों से निर्मित, और वो पंचांग के पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीज़ों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र की, और इन्हीं सभी चीज़ों की संपूर्ण और सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और संपूर्ण पंचांग का लाभ उठाइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों आज का पंचांग आपको बताना आरंभ करूँ, उससे पहले आइए हम सभी मिलकर शुभकामना देते चलें उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी जो है वो हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं सोमवार 1 मार्च 2021 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। आज है विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, कली संवत रहने वाला 5122, माह फाल्गुन माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु बसंत ऋतु, तिथि रहने वाली है द्वितीया। द्वितीया तिथि आज दिन के 10:39 तक रहेगा, उसके बाद फिर तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी रहने वाला है जो कि दिन के 9:37 तक रहेगा, उसके बाद फिर हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण गर रहने वाला है, गरकरण दिन के 10:39 तक रहेगा, उसके बाद फिर वणिजकरण आरंभ हो जाएगा जो कि रात्रि के 9:38 तक रहने वाला है। उसके बाद फिर विष्टिकरण यानी कि भद्रा आरंभ होगा। योग रहने वाला है शूल, शूल योग आज दिन के 3:12 तक रहेगा, उसके बाद फिर गंड योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहने वाला है, पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दर्पण देखकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य बढ़ेंगे। चंद्राशि आज कन्या रहने वाली है, कन्या राशि में चंद्रमा आज विराजित रहेंगे, वह त्यौहार में ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आइए आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की बात करें, तो सूर्योदय होने वाला है सुबह के 6:46 पर और सूर्यास्त शाम के 6:20 पर होने वाला है। चंद्रोदय होने वाला है रात्रि के 8:36 पर और चंद्रयास्त होने वाला है सुबह के 8:13 पर। ये तो थी सूर्योदय और चंद्रोदय की बात। आइए अब जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया को। आज का शुभ समय रहने वाला है दिन के 9:40 से लेकर 11:07 तक, और आज का चर समय रहने वाला है दिन के 2 से लेकर 3:27 तक, और आज का लाभ समय दिन के 3:27 से लेकर 4:54 तक रहने वाला है। अमृत समय की बात करें तो सुबह के 6:46 से लेकर 8:13 तक रहने वाला है। ये तो थी शुभ चौघड़िया। आइए अब जानते हैं आज के राहुकाल और गुलिककाल की स्थिति को। राहुकाल रहने वाला आज सुबह के 8:13 से लेकर 9:40 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल बचें, ये एक अशुभ मुहूर्त होता है। गुलिककाल एक शुभ मुहूर्त होता है, ये रहने वाले दिन के 2 से लेकर 3:27 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से आपको सफलता हाथ लगेगी। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये भी एक शुभ मुहूर्त होता है, ये रहने वाले दिन के 12:10 से लेकर 12:56 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त आज रहने वाले दिन के 2:29 से लेकर 3:15 तक, और आज का गोधली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 6:08 से लेकर 6:32 तक। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग बताया। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।